मुख्यमंत्री अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जिस तरह से अध्यक्ष को उंगली दिखाने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए आकर सदन में। और हम लोगों ने यही बात रखा सदन में, सभापति महोदय आए थे, मैंने कहा कि सदन में अध्यक्ष महोदय को आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का जवाब होना चाहिए कि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और आसन को धमकाने का जो काम किया है, उनको पहले माफ़ी मांगना चाहिए तो सदन चलेगा। लोकतंत्र के मूल्यों का मामला है और अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से सदन के कस्टोडियन होते हैं अध्यक्ष, और कस्टोडियन सभी विधायकों का होते हैं, और सदन का अवमानना हुआ है, कोई किसी दल का अवमानना नहीं हुआ है, ये सदन का हुआ है। और मुख्यमंत्री अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जिस तरह से अध्यक्ष को उंगली दिखाने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए आकर सदन में। और हम लोगों ने यही बात रखा सदन में, सभापति महोदय आए थे, मैंने कहा कि सदन में अध्यक्ष महोदय को आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का जवाब होना चाहिए कि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और आसन को धमकाने का जो काम किया है, उनको पहले माफ़ी मांगना चाहिए तो सदन चलेगा। तो सदन अभी अडजॉर्न हो गया, दो बजे के बाद फिर भी आसन को अपमानित या धमकाने का आरोप लगता है। अभी सत्ता पक्ष या मुख्यमंत्री ही करेंगे तो क्या कारण लगता है आपको? नहीं, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं और दोहरा चरित्र जो उनका है उजागर हुआ। लोग कहते थे पहले कि दोहरा चरित्र वाले हैं, ये दोहरा चरित्र उनका उजागर हुआ है और ब्यूरोक्रेसी का राज चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। उनका जो असली चेहरा है, दोहरा चेहरा, वो उजागर हो गया। लोकतंत्र हत्यारा है, डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव और राजद के रहते हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे, हम लोकतंत्र बहाल करके बिहार में और देश में रखने का काम करेंगे। दो बजे के बाद भी सर क्या इस विषय पर आगे होगा मामला? दो बजे अगर अध्यक्ष नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, फिर हम लोग का यही सवाल होगा कि लोकतंत्र के हत्यारा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।